गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का 9 बज रहा है। घर का काम सब खत्म कर लिया, मतलब पोछा उछा झाड़ू उड़ू सब खत्म कर लिया, और सब मम्मी भी खत्म कर ली। फेस किधर रखा है मेरा, तो बात करे तू। ठीक है, गुड मॉर्निंग हाय फ्रेंड्स। आप आपके परिवार खुश है, अच्छे है, ठीक है? क्योंकि मेरा फेस से मम्मी का फेस ज्यादा सुंदर, इसीलिए। ऐसा बात नहीं है, माँ का पास सब बच्चा ठीक है। मेरा गुड मॉर्निंग गड़बड़ा बोलते बोलते। गुड मॉर्निंग हाय फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे, जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 8:30 नौ बज चुका है। मेरा रोज का काम हम खत्म, नहा धो के पूजा कर लिया। आजकल कपड़ा सुबह खींच लेते थोड़ा बहुत, फिर दोपहर को भी खींचते, इसीलिए लेट हो जाता है। नाश्ता इधर ज़्यादा नहीं था, एक गाजर था, दो आलू दिए छोटा छोटा साइज का, और थोड़ा सा बरबटी था, और परवल तीन गो था। यही मिला करके, आज सब्जी नहीं है, इसीलिए सब्जी सोमा रोटी, सब्जी बनना मिक्स वेज थोड़ा सा, और सोमा रोटी बनाइए, हम जा रहे पीठा बनाएंगे। नारियल और दूध दे दिए यहाँ, और छोटा इलायची दे दिए यहाँ, केला तीन गो है। अरे वो कहाँ गया रे, केला सब फ्रिज में था इसीलिए ऐसा हो गया। हाँ, फ्रिज में केला था और कटहल, कटहल लास्ट पेड़ का लास्ट कटहल। पीठा इसका बन जाएगा खत्म। बड़ा बाबा में आधा दे दिए, आधा से कम दिए क्योंकि खराब हो गया था नीचे का हिस्सा, कम दिए, और जो था वही बना रहे हैं, बाकी वो देखिए गिरा दिए, गिरा दे, खराब हो गया था, बारिश होने लगा। मम्मी इसको ग्राइंडर में पीस लेगी, हम तब तक आटा का बर्तन निकालें सानने वाला, उसमें सानेंगे। और ए देखिए, लोग का बनवासी कमता नहीं है, ओए घूम घाम के आया गिर जाएगा। बहुत काम है आज, ये सब बॉक्स को रखेंगे ठीक से, कल कुछ काम था, कल शाम को हम लोग कर लिए, ये सब अब रखेंगे ठीक से। और यहाँ जो चीज है, यहाँ पे जो पर्दा देख रहे हैं, वहाँ चीज है, बहुत सारा चीज है, जब निकालेंगे तब दिखाएंगे। ये सबको निकाल के छत में शिफ्ट कर देंगे ये सबको। हाँ तुम जाओ बाहर, तुम जाओ रोना बाहर, जाओ जाओ, चल जाओ जाओ। हम इधर रोटी पराठा बना के रेडी कर लिए हैं, नीचे रोटी है देखिए। भैया पराठा नहीं खाता ना, और मम्मी भी नहीं खाती है, और इधर मम्मी कुछ बन के रेडी हो गया है, पीठा कुछ बना के रेडी कर ली, और कुछ कढ़ाई में है, मस्त कलर आया है एकदम ब्राउन ब्राउन। ब्लैक कढ़ाई में कर रही है क्योंकि वो कढ़ाई में सब्जी है, सब्जी बन के रेडी हो गया है, और थोड़ा सा ज़्यादा कटहल नहीं था इसीलिए थोड़ा सा पीठा बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। मम्मी भी गर्मी में परेशान, हम भी गर्मी में परेशान। रोटी बना लिए हैं, आप लोग को दिखाएं, बहुत गर्मी, किचन में रहने से ही बहुत गर्मी लगता है, नहीं तो ऐसे में गर्मी नहीं है, काम करने से तो गर्मी लगेगा। जल्दी जल्दी नाश्ता बना ले रहे क्योंकि उधर काम है बाकी। इसको आज बाहर निकाल दिए थे, बड़ी बदमाशी कर रहा था, रो रहा था अंदर, इसीलिए बाहर निकाल दिए हैं, अब जाएगा अंदर सिर्फ, जा रहे। और भी कुछ काम है, मम्मी बोल रही थी तो पीठा टेस्ट करने जा रहे, पीठा टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट करते हैं, छोटा सा लेके करेंगे ये वाला। खा रहे तुम? दिखा रहे मम्मी को, टेस्टी बना है। मम्मी को भी थोड़ा, बहुत टेस्टी बना है, इसमें नारियल है, केला है, चीनी है, इलायची है, दूध है, टेस्टी तो लगेगा ही, कटहल है। और एक जन क्या कर रहा, ओहो चुपचाप बैठा हुआ है। नाश्ता आज नहीं करेंगे, लेट से करेंगे क्योंकि मम्मी हॉर्लिक्स पिला दी, नहीं बोल रहे थे क्योंकि कल रात को हम थोड़ा जबरदस्त खाना खा लिए थे, रोटी पराठा फिर मूढ़ी पत्ता गोभी, देखे मम्मी सान दी मूढ़ी, रात को फिर करोड़पती देखते देखते बिस्किट, हॉर्लिक्स नहीं पिए थे हम रात को, कल दिन भर रात भर हम, कल सुबह भी हॉर्लिक्स नहीं पिए और रात को भी नहीं, आज इसलिए मम्मी जबरदस्ती हॉर्लिक्स पिला दी। और एक जन अंदर आ गया, इससे बाहर रहा नहीं जाता है, थोड़ा सा दिए पीठा खा के बैठ के ताक रहा हम लोग को, ये तो कुछ खाने खोजता नहीं है, बस चिकन मटन फिश एग, एक भी नहीं उतना खाता है, दूध बस यही सब, पराठा पूरी जो सब उसका बाल झड़ेगा वो सब खाने खोजता है, मिठाई बन के रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी बना, हम दिन को खा लिया ना, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। मम्मी बोल रही थी रोटी खाओ रोटी खाओ, रोटी आधा खाने बोले थे थोड़ा सा, क्योंकि तेले फ्राई वाला चीज़ ना, सुबह सुबह तेल में फ्राई वाला चीज़ सुबह सुबह नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ बिस्किट और दूध हॉर्लिक्स पिया। इलायची मिला, क्या स्वाद है इलायची का,
हो गया, हम बर्तन धो लेंगे। मम्मी जल्दी जल्दी खाना बना लेगी, उधर काम है, उधर सब सब शिफ्ट करना पड़ेगा ना। इन लोग को भी खिला दिए, ये खाया वो नहीं खाया, मिट्टू को भी थोड़ा दे दिए। क्या रे टेस्टी लगा? हाँ उसका आँख देख के लग रहा टेस्टी लगा, मम्मी को और देख रहा बनबास। आज लंच में बनेगा आलू मछली का कड़ी बनेगा, और इधर आलू और क्या डंठी है माए, कोई डंठी क्या चरचड़ी बनेगा। तो मेनू आज ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, इधर मम्मी आज हाथ में मसाला पीस रही है। सुबह का ब्रेकफास्ट कोई नहीं किया, हम लोग तो पीठा खा लिए, उसी में पेट भर गया, हॉर्लिक्स भी पिए हैं। और ये सब ऐसे भी पीसिए हाथ में। ज़्यादा कुछ बना नहीं है, जो बना है बहुत काफ़ी है। आलू मछली का कड़ी बना है, और इधर पुई डंठी आलू मछली देके मम्मी सरसों देके बनाई है, कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है, गर्मी बहुत है। चावल भी हो चुका है मान प्रसाद में, जाने गैस पूछेंगे कढ़ाई उड़ाई हम जा रहे नहाएंगे। रात को अभी 11 बज रहा है, हम लोग डिनर नहीं के मावेटी पीठा खा रहे थे बैठ के, बर्तन भी आज पड़ा हुआ है, धोए नहीं क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लगता, कर सकते थक जाते ना जैसे नहीं कर थोड़ा देर बैठे रहे ऐसे लगता है, इसीलिए पड़ा हुआ है बर्तन। माँ बेटी थोड़ा देख रहे थे, क्या देख रहे थे आज, आज देख रहे थे खतरों के समझ आएगी, खतरों के खिलाड़ी नहीं कुछ नहीं कर सकते, बहुत डरती है, मैं इसे मजाक करके बोल दिए, वही देख रहे थे। और एक वो सीन है वो देखेगी, हम पूरा नहीं, हम नहीं बैठ सकेंगे, हम सोए, हम बैठ थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा कुर्सी में बैठ के सो रहे थे, इसीलिए सुबह का रोटी था, कोई नाश्ता नहीं किया था हम लोग, माँ बेटी बेटा भी नहीं नाश्ता किया था, रोटी और सब्जी था, वही गरम करके सोना सबको नाश्ता में, नाश्ता नहीं डिनर में, सॉरी सॉरी, नाश्ता का जो रोटी सब्जी था डिनर का टाइम गरम करके डिनर में, ठीक है। मम्मी बोले रोटी नहीं बनाने बनाने माना, कितना रोटी था फिर बनाएगा बेकार हो जाता, डॉगी लोग को चावल दे दिए, डॉगी लोग रोटी नहीं खाने खोजता है, लोग को चावल पसंद है, एक वो धीरे बोलिए, घर में सबको नहीं पता हो सुबह, घर में तो जो लोग खाए उन लोग को पता नहीं, एक वो शायद डॉगी है रोटी खाने खोजता है, कोई नहीं खाने खोजता, इसीलिए हम बोले क्यों बनाएगा इतना रोटी, बनाते कुछ करते हम भी नहीं करेंगे, मम्मी भी नहीं खाएगी, इसीलिए नहीं किया। कल थोड़ा मार्केट चलेंगे, आप लोग भी आप लोग को ले चलेंगे मेरे साथ, ठीक है, जमशेदपुर घुमा लेंगे, दिखाएं हम लोग को विष्णुपुर सच्ची जो दिखाना है, देखते हैं कहाँ जाते हैं, ठीक है। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, गुड नाइट, बाय।